हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनिकाज कुकिंग स्टेशन। आज हम बनाने वाले हैं आलू मेथी टिक्की। थोड़ी सी टेस्टी, थोड़ी सी हेल्दी और बहुत ही चटपटी और प्यार भरी रेसिपी है। साथ ही में हम देखेंगे कि इस टिक्की के साथ हम क्या क्या और कौन कौन सी चटनी सर्व कर सकते हैं। ठंड में मिलने वाले फ्रेश मेथी से बनने वाली सबसे टेस्टी और मेरी फेवरेट रेसिपी है। तो चले रेसिपी भी देख लेते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमें घर में अवेलेबल चीज़ों से आसानी से बन जाएगी। सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे, तेल गरम कर लेंगे, उसमें डाल देंगे एक चम्मच राई, सरसों के दाने, साथ ही में मैं डाल दूंगी जीरा। उसे हम बस 10 सेकंड भूनने देंगे और फिर हम उसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च के साथ उसे फिर 10-15 सेकेंड तक भुनेंगे और फिर हम उसमें डालने वाले हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये घर पे भी आसानी से बन जाता है और आप इसे करीब 8 दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। अगर घर पे ना बना हो तो ये आजकल मार्केट में बिकत भी मिलता है। बस इसे हम 10-15 सेकेंड तक ऐसे ही भून लेंगे और फिर हम उसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को मैंने अच्छे से बारीक काट लिया था, इसे हम प्याज के साथ और भून लेंगे। प्याज को करीब हमें 30 सेकेंड या 1 मिनट तक भूनना होगा। प्याज भूनते वक्त गैस की फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, हाई नहीं और लो भी नहीं। इस रेसिपी में हमें तेल बहुत कम यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेल यूज़ करोगे ना, जब आप रेसिपी में आगे टिक्की को शैलो फ्राई करेंगे तो हमारी टिक्की ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेगी और एकदम ऐसी ऑयली बन जाएगी। इसलिए हमें इसमें तेल कम यूज़ करना है। मैंने इसमें थोड़ा सा तिल भी डाला है, आप चाहे तो तिल पहले भी डाल सकते हैं जब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। फिर हम इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन के वजह से ना एकदम अच्छा ऐसा क्रंची सा टेक्सचर आएगा हमारे टिक्की में। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ उबाले हुए आलू। आलू को उबाल लिया था और बड़े बड़े पीसेस में काट लिया था, आप चाहे तो आलू को मैश करके भी ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और पकाएंगे करीब 1-2 मिनट तक। एक दो मिनट तक आलू को हमने अच्छे से पका लिया है और आप इसे अगर पहले से मैश ना कर रहे हो तो अभी इसे मैश कर सकते हैं। और फिर हम इसमें डाल देंगे फ्रेश कटी हुई मेथी। मेथी मैंने काफ़ी सारी ली है, जितना हमने आलू लिया है उससे भी ज़्यादा मैंने मेथी ली है, क्योंकि मेथी पकने के बाद कम हो जाती है और मेथी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं होता है, इसलिए हमने मेथी थोड़ी ज़्यादा ली है। अभी मेथी और आलू को साथ में हम अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। और इस रेसिपी को मैं बहुत सिंपल रख रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ। तो मैंने बस 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। हमने हरी मिर्च भी डाली है तो लाल मिर्च थोड़ी कम डालिएगा, और साथ ही में नमक स्वाद अनुसार। अभी हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे ऐसे ही पकाएंगे। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि हमारी टिक्की चटपटी और अच्छी लगनी चाहिए। टिक्की जब भी आप बनाते हो, कोई भी टिक्की बनाते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने चाहिए। बस अभी हमारा मसाला लगभग बनकर रेडी है, इसे हमें ऐसे ही करीब 2-2.5 मिनट तक अच्छे से पकाना है, अच्छे से मैश करते हुए। ये मसाला ना आप ऐसे भी खाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगी, तो इसकी टिक्की तो अच्छी लगनी ही है ना। बस अभी हम इसे ठंडा कर लेंगे, हमारा मसाला बनकर रेडी है। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इसमें थोड़े से हरे धनिए के पत्ते डाले हैं, इसके वजह से इसमें बहुत अच्छी फ्रेशनेस और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहे तो इसमें लास्ट में नींबू का रस डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। बस इसे मिला लीजिए, 30 सेकंड तक पकाइए। अभी आपने इसे नहीं भी पकाया, गैस की फ्लेम ऑफ भी कर दी तो भी चलेगा।
बस हमारा मसाला फाइनली बनकर रेडी है। इसे हम एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अभी मैं बनाऊंगी मैदे का और पानी का एक घोल। मैदे में बस हमें पानी मिलाना है और उसे अच्छे से एक घोल, एक पतला सा ऐसा बैटर बनाना है उसका। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, नहीं तो बस मैदा और पानी ऐड कर दीजिए और इसका एक घोल बना लीजिए। साथ ही में एक बड़ी प्लेट में मैंने लिया है रवा। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो रवा यूज़ कर लीजिए जैसे कि मैंने किया है। देखिए हमारा मैदे और पानी का बैटर भी रेडी है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, लेकिन इतना पतला चाहिए कि हमारी टिक्की उसमें डूब जाए। अभी हम हमारा बना हुआ मसाला लेंगे और उसे एक टिक्की का शेप दे देंगे हाथों के बीच रोल करते हुए, जैसे मैं दे रही हूँ। देखिए हमारी टिक्की रेडी है। अभी इसे हम हमारे मैदे के घोल में डालेंगे। मैदे से वो कोट हो जाए उसके बाद हम उसमें डाल देंगे रवे में या ब्रेड क्रम्स में, जो भी आपके पास हो उसमें भी अच्छे से कोट कर लेंगे। देखिए अभी हमारी टिक्की बनकर रेडी है, इसे बस फ्राई करना बाकी है। इसी तरीके से हम हमारी सारी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे और फिर उन्हें एक साथ में अच्छे से तल लेंगे। ये देखिए हमारी सारी टिक्कियाँ इस तरीके से बनकर रेडी है। कुछ टिक्कियों को मैंने कोट किया है और कुछ को नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि जिसको हमने कोट नहीं किया है ना, वो बहुत ऑयली बन जाएंगे और जिसको कोट किया है वो अच्छे करारे क्रिस्पी बन जाएंगे। चले हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करने से उसमें और एक अच्छा क्रस्ट आ जाएगा और वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, लेकिन शैलो फ्राई हेल्दियर ऑप्शन है इसलिए मैं उन्हें शैलो फ्राई ही कर रही हूँ। बहुत गर्म आँच पे भी नहीं, बहुत हाई फ्लेम पे भी नहीं और बहुत लो फ्लेम पे भी नहीं। जैसे हम नॉर्मली टिक्कियों को करते हैं ना मीडियम फ्लेम पे, वैसे ही हमें इन्हें भी रोस्ट करना है, फ्राई करना है। इन टिक्कियों के साथ जनरली टोमेटो सॉस बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो हरी चटनी भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इन टिक्कियों के साथ ना थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी जो होती है वो ज़्यादा अच्छे से जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी स्पाइसी और थोड़ी चटपटी होती है टिक्की, तो उसके साथ अगर आप थोड़ी मीठी में चटनी सर्व करोगे तो वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। इसलिए मैंने इसके साथ में टोमेटो सॉस सर्व किया है, बट आप चाहे तो कोई भी थोड़ी सी खट्टे और मीठे में जो चटनी हो सकती है वो सर्व कीजिए। हरी चटनी अवॉइड कीजिए, हरी चटनी अच्छी लगेगी बट टोमेटो सॉस बेटर लगेगा। देखिए हमारी टिक्कियाँ बनकर रेडी है, बस हम इसे अब झटपट सर्व कर लेंगे। मैंने सर्व कर लिया है और मैंने इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। बहुत दिखने में बहुत सुंदर लग रही है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।